सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का रास्ता देख रही है माता अपनी आंख के तारों का। जय माता दी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज माता रानी के नवरात्रि का पहला दिन है तो आपने व्रत जरूर किया होगा और माता रानी की अच्छे से पूजा पाठ की होगी। और अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और ये कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं वैष्णो देवी की कथा। तो बिना देर किए हम माता रानी की कथा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। वैष्णो देवी का मंदिर, जो भारत का सबसे ज्यादा मान्यता रखने वाला मंदिर है, यह मंदिर भारत के कश्मीर राज्य में जम्मू जिले में कटरा शहर के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता के दरबार में जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आगे की कथा स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी लिखकर कथा को मन लगाकर सुने। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के स्वरूप के दर्शन सर्वप्रथम श्रीधर पंडित ने किए थे, जो माता के अनन्य भक्त थे। यह उस समय की बात है जब उस क्षेत्र में बाबा भैरवनाथ का प्रकोप था। भैरव बाबा एक तांत्रिक थे जिन्होंने अपनी तंत्र विद्या से कई शक्तियां हासिल कर ली थी। जब भैरव बाबा ने कई सिद्धियां हासिल कर ली तो उसने उस क्षेत्र के निवासियों को डराना शुरू कर दिया। भैरवनाथ कहते थे कि इस क्षेत्र का देवता मैं हूँ, यहाँ सिर्फ मेरी पूजा होनी चाहिए और किसी की नहीं। उस क्षेत्र के कई निवासियों ने भैरवनाथ की पूजा करना आरंभ कर दिया, लेकिन श्रीधर पंडित जो आदि शक्ति की पूजा करते थे उन्होंने भैरवनाथ की पूजा करना स्वीकार नहीं किया। जब पंडित श्रीधर भैरवनाथ की बात नहीं माने तो भैरव बाबा ने गांव के सभी निवासियों से उसे समझाने के लिए कहा। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन पंडित श्रीधर ने सिर्फ माँ भगवती की पूजा करना ही स्वीकार किया। जब श्रीधर पंडित भैरव बाबा की बात नहीं माने तो उन्हें उस क्षेत्र से निकाल दिया गया। तब वह दूसरे क्षेत्र में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे और माता भगवती की पूजा पाठ आराधना में लीन हो गए। कुछ दिनों बाद नवरात्रि शुरू हो गए और पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी ने नवरात्रि का उपवास किया। अष्टमी तक उपवास करके नवे दिन कंचकाओं को भोजन कराने की तैयारी में लग गए। जब यह बात भैरवनाथ को पता चली कि पंडित श्रीधर कंचकाओं को भोजन कराने वाला है तो वह पंडित श्रीधर को बदनाम करने की योजना बनाने लगी। नवे दिन पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर कंचकाओं को भोजन कराने के लिए भोजन सामग्री तैयार कर ली और फिर वह गांव जाकर 9 कंचकाओं को घर में आदर पूर्वक लेकर आए। 9 कंचकाओं को घर में लाकर उनके चरण धोए, फिर कुमकुम रोली का तिलक और आदर सहित बैठाकर भोजन कराना शुरू कर दिया। उसी समय भैरवनाथ अपनी गुफा में तांत्रिक आहुति दे रहा था क्योंकि वह पंडित श्रीधर को बदनाम करना चाहता था। तंत्र विद्या के अभाव में आकर भोजन कर रही 9 कंचका अचानक से मूर्छित हो गई। पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी बहुत डर गए और कंचकाओं के हाथ पैर मलने लगे। इसी बीच भैरवनाथ गांव में पहुंच गया और जिनके बच्चे वहां भोजन करने गए थे उन्हें कह दिया कि पंडित श्रीधर ने आपके बच्चों को जहर देकर मार दिया। यह सुनकर सभी बच्चों के माता पिता भाग दौड़कर श्रीधर पंडित के घर पहुंचे। घर पहुंचे तो देखा कि 9 के 9 बच्चे मरे पड़े हैं। तब गांव वालों ने पंडित श्रीधर को खूब खरी खोटी सुनाई और पत्थरों से मारा और कहा कि हमारे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारे बच्चों को ही मार दिया। आज के बाद आपके घर पे कोई भी अपने बच्चों को कंचका बैठाने नहीं भेजेगा। इस कारण उनकी नवरात्रि की पूजा अधूरी रह गई। पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी माता की चौकी के सामने फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि तुम तो सब जानती हो माँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी पूजा अधूरी रह गई। अब कोई भी अपने बच्चों को हमारे घर कंचका पूजन के लिए नहीं भेजेगा, फिर आपकी पूजा कैसे पूरी होगी माँ। दोनों माता के सामने बिलक बिलक कर रो रहे थे। कुछ देर बाद पंडित श्रीधर की कुटिया के बाहर से एक कन्या की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनने के बाद श्रीधर पंडित कुटिया का गेट खोलकर देखता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है। पंडित श्रीधर ने जब कुटिया का गेट खोला तो देखा कि दरवाजे पर 9 कंचकाएं खड़ी हैं। श्रीधर पंडित बस उन्हें देखे ही जा रहा था। तब उनमें से एक कन्या ने कहा कि ऐसे क्यों देख रहे हो, आपको पूजा नहीं करनी क्या।
पूजा का टाइम निकला जा रहा है, चलो पहले कन्या पूजन कर लो, फिर हमें भी अपने घर जाना है। यह सुनकर पंडित श्रीधर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और उन्होंने जब उन नौ कन्याओं को देखा तो वे भी भाव विभूत हो गई। उन कन्याओं को देखकर ऐसा लगा मानो स्वयं माँ आदि शक्ति ने दर्शन दिए हो। और सच तो यही है कि वह नौ कन्याएं कोई और नहीं बल्कि माता के ही नौ रूप थे, जो कन्याओं के रूप में पंडित श्रीधर के घर में पधारी थी। लेकिन श्रीधर पंडित इस बात से अनजान थे। पंडित श्रीधर उन्हें आदर सहित कुटिया में ले गए और कन्या पूजन किया और भोजन कराया। नौ कन्याओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पूजन खत्म होने के बाद उनमें से एक कन्या ने श्रीधर को अपने घर में भंडारा करने के लिए कहा कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है। यह सुनकर श्रीधर पंडित सोच में पड़ गए और कहने लगे, मैं तो खुद भिक्षा मांगकर पेट भरता हूँ, भला मैं पूरे गांव को भंडारे में कैसे खाना खिला पाऊंगा। क्षमा करे पुत्री, पर मैं भंडारा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर श्रीधर चुप हो गए। वह कन्या बोली, क्यों तुम्हें माता पर भरोसा नहीं है? श्रीधर पंडित कहते हैं, भरोसा तो है, लेकिन मैं इतनी सारी खाद्य सामग्री कहाँ से लाऊंगा? अब इस गांव में मुझे कोई उधार राशन भी नहीं देगा। यह सुनकर वह कन्या बोली, अगर तुम माता पर भरोसा करते हो तो चिंता करना छोड़ो और आज से 5 दिन बाद का सभी गांव वालों को भंडारे का न्योता दे दो, बाकी सब माँ पर छोड़ दो। और हाँ, भैरवनाथ को न्योता देना बिल्कुल ना भूलना, भंडारे में भैरवनाथ को जरूर बुलाना, मैं भंडारे वाले दिन जरूर आऊंगी। यह कहकर वह नौ कन्याएं वहां से चली गई। अब श्रीधर पंडित गहरी सोच में पड़ गए और अपनी पत्नी से कहने लगे, क्या करूं, कैसे होगा भंडारा? उनकी पत्नी बोली, उस कन्या की वजह से हमारी नवरात्रि की पूजा सफल हुई है, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें स्वयं माता ने भेजा हो। यह सब सुनकर श्रीधर पंडित ने भंडारा करने का मन बना लिया और अगली ही सुबह पूरे गांव को भंडारे पर आमंत्रित किया। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि तुम कैसे कराओगे पूरे गांव को भोजन, और कुछ लोगों ने उनकी मजाक भी उड़ाई, लेकिन श्रीधर पंडित सबको जय माता दी बोलकर आगे बढ़ते रहे और अंत में भैरवनाथ की गुफा में भंडारे का निमंत्रण लेकर पहुंच गए और बोले, आपका हमारे घर पर माता के भंडारे में आने का निमंत्रण लेकर आया हूँ, आप जरूर आना। भैरवनाथ ने श्रीधर से पूछा, किसके कहने पर तुम मुझे निमंत्रण देने आए हो? श्रीधर बोले, जिस कन्या ने हमारा नवरात्रि का व्रत पूरा कराया है उसी ने हमें भंडारा करने की सलाह दी है, और तुम्हें भंडारे में जरूर बुलाऊं ऐसा उस कन्या ने ही कहा था। भैरवनाथ ज्ञानी था, वो समझ गया कि वो कोई आम कन्या नहीं है। फिर भैरवनाथ ने श्रीधर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 4 दिन बीत गए, अगले दिन भंडारा था और श्रीधर के घर में अब तक भंडारे की कोई भी तैयारी नहीं थी। उस कन्या का भी अभी तक कोई अता पता नहीं था। शाम को गांव के सहायक लोग श्रीधर के घर आने लगे कि भोजन पकाने में मदद करवा देंगे, लेकिन जब वह श्रीधर के घर पहुंचे तो देखा कि वहां तो कोई सामान ही नहीं है। यह सब देखकर गांव के लोग श्रीधर पर हंसकर चले गए। रात हो गई और रात भर दोनों पति पत्नी माता के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे और माता से कहते रहे कि माँ, उस कन्या को भेज दो, हमारी लाज रख लो। माता से विनती करते करते वहीं पर सो गए। अगले दिन सुबह हुई तो वह कन्या पंडित श्रीधर को आवाज देकर उठाने लगी और कहने लगी कि तुम अभी तक सो रहे हो, सारे सामान की तैयारी भी हो गई के लोग भी भोजन करने के लिए आने वाले हो गए। दोनों अचानक से उठे और उस कन्या को देखकर उनकी जान में जान आई। श्रीधर कन्या को सीने से लगाकर रोने लगे। तब उस कन्या ने कहा, अब रो मत वरना गांव वाले क्या सोचेंगे, और हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई। दूसरे कक्ष में श्रीधर जाकर चौंक गए। उसने देखा कि वह कक्ष तो भोजन से भरा पड़ा है। सोचने लगा कि ये कहां से और कैसे आया, और फिर माता को प्रणाम किया और फिर पूरे गांव को भोजन खिलाने लगे। भी भैरवनाथ आते हैं और भंडारे में बना स्वादिष्ट भोजन को देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, एक भिक्षु के घर में इतना अच्छा भोजन कैसे। श्रीधर भैरवनाथ को भोजन के लिए बैठाते हैं और उन्हें भोजन परोस देते हैं, लेकिन भैरवनाथ वह भोजन खाने से मना कर देता है
और मांस मदिरा लाने को कहता है। भी वह कन्या आती है और कहती है, ये माता का भंडारा है, इसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलता है, यहाँ मांस मदिरा नहीं मिलेगा, आपको यही भोजन खाना पड़ेगा। यह सुनकर भैरवनाथ क्रोधित हो जाता है और वह उस कन्या पर त्रिशूल का प्रहार करता है, लेकिन वह कन्या तभी अंतर्ध्यान हो जाती है और श्रीधर की कुटिया में अपने चरण चिन्ह छोड़ जाती है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि यह तो स्वयं माता ही थी, और भैरवनाथ उस कन्या का पीछा करने लगता है। भैरवनाथ से बचकर वह कन्या हिमालयों की पहाड़ियों में पहुंच गई और वहां पर तपस्या करने का निर्णय लिया, और गुफा में प्रवेश करने से पहले माता ने तीर मारकर वहां गंगा प्रकट की और उसमें अपने केश धोए। जहां खड़े होकर माता ने अपने केश धुले थे, अपनी चरण पादुका वहीं छोड़ दी थी, जिसे आज चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इस गंगा को माता ने पान मारकर प्रकट किया था, इसलिए इसको पान गंगा भी कहा जाता है। वैष्णो देवी की यात्रा में पहला पड़ाव पान गंगा का ही आता है। यहाँ शुद्ध जल में स्नान करने के पश्चात ही आगे की यात्रा प्रारंभ की जाती है। इस धुलकर फिर माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए एक गर्भजून गुफा में प्रवेश किया और उस गुफा में माता ने 9 महीने तपस्या की। वह गुफा आज भी है जो चरण पादुका से 3 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिसे अर्धकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। जब भैरवनाथ को वह कन्या नहीं मिली तो भैरवनाथ भी तप करने लगा कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिससे वह उस कन्या का पता लगा सके। और उधर श्रीधर पंडित कन्या रूपी माता के चरण चिन्हों में गिरकर रोने लगा कि माता आप आई और मैं आपकी सेवा भी ना कर सका, कितना अभागा हूँ। श्रीधर पंडित रोज माता की पूजा पाठ आराधना करने लगा। श्रीधर पंडित को देख गांव के और लोग भी अब माता भगवती की पूजा पाठ करने लगे। इधर भैरवनाथ को अब लगभग 9 महीने तपस्या में बीत चुके थे और अब उसे सिद्धि प्राप्त हो गई थी। प्राप्त की गई सिद्धि से भैरवनाथ ने माता के छुपने की जगह का पता लगा लिया और वह उस गुफा के द्वार पर पहुंच गया। गुफा की रखवाली कर रहे श्री हनुमान से भैरवनाथ का युद्ध हुआ। कई दिनों तक भैरवनाथ और हनुमान के बीच भयंकर लड़ाई हुई। 9 महीने बाद एक दिन जब माता तप से उठी तो उन्हें बाहर से शस्त्रों की आवाज़ सुनाई पड़ी। तब माता वैष्णो देवी सिंघनी की भांति गुफा के अंदर से दहाड़ मारते हुए अष्टभुजाओं वाले विकराल रूप में गुफा से बाहर आई। माता का यह रूप देखकर भैरवनाथ भी भयभीत हो उठा, लेकिन फिर भी माता को परास्त करने के लिए माता की ओर पढ़ने लगा। यह देखकर माता भवानी क्रोध से भरकर भैरवनाथ के प्राण हरने के लिए भैरवनाथ से युद्ध करने लगी। युद्ध करते करते माता वैष्णो देवी का क्रोध और बढ़ गया और माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ पर प्रहार किया। माता के हाथ से त्रिशूल छूटते ही भैरवनाथ को अपनी मृत्यु का आभास होने लगा और वह माता के प्रहार से बचने के लिए ऊंचे पर्वतों की ओर भागने लगा। भागते हुए भैरवनाथ के पीछे फिर माता का फेंका गया त्रिशूल भैरवनाथ के नज़दीक पहुंच गया और भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। धड़ से अलग होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर ऊंचे पर्वत पर जाकर गिरा, जो माता के भवन से 3 किलोमीटर ऊपर स्थित है। लेकिन भैरवनाथ को सिद्धियां प्राप्त थी, इसलिए उसका मरना सरल नहीं था। उसका कटा हुआ धड़ मर चुका था, लेकिन उसका सर अभी भी जीवित था। फिर वह माता को पुकारने लगता है, माता का आवाहन करने लगता है कि हे माता वैष्णो देवी, मुझे दर्शन दो माँ। तब माँ वैष्णो देवी अष्टभुजा वाली शेरव वाली माता के रूप में भैरवनाथ को दर्शन देती है। तब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी से क्षमा याचना करता है और कहता है कि माँ, मुझे आपके हाथों मृत्यु पानी थी, इसलिए आपसे बैर किया था माँ, मुझे क्षमा कर देना माँ। भैरवनाथ के यह वचन सुनकर माता वैष्णो देवी प्रसन्न हुई और भैरवनाथ से कुछ मांगने को कहा। भैरवनाथ भी कहते हैं कि माँ, अगर मैं तुमसे कुछ मांगो तो क्या तुम मुझे वो दोगी? माता ने कहा, संतान अगर माँ से कुछ मांगे तो माँ कैसे मना कर सकती है, निश्चिंत होकर मांगो पुत्र। भैरवनाथ ने कहा, माता मैंने जो भी कार्य किए हैं उसकी वजह से संसार मुझे हमेशा बुरे विचार वाला ही मानेगा, हो सके तो मेरे माथे से ये कलंक हटा दो माँ। तब मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब से तुम्हारी भी पूजा होगी
तुम्हारे आधे शरीर को तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और आधे शरीर की पूजा होगी। तुम्हारा धड़ मेरी गुफा के द्वार पर रहेगा, जिस पर चढ़कर लोग भविष्य में मेरे दर्शन करने आएंगे और मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे दर्शन करने यहाँ 3 किलोमीटर ऊपर आएंगे। जो मनुष्य मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी और उसको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारी यात्रा करने में मेरे भक्तों को कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन उन्हें उनकी इच्छा का फल अवश्य मिलेगा और मेरी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें तुम तक पहुंचने में ताकत प्रदान करेगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और भैरवनाथ का सिर भी काले पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया। भैरवनाथ का धड़ माता वैष्णो देवी के भवन के सामने पत्थर बनकर फर्श के रूप में बिछ गया। आज जिस पर चढ़कर हम माता के दर्शन करने गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन अब तक संसार को इस गुफा और मंदिर के बारे में नहीं पता था। कुछ साल बीते, श्रीधर पंडित बीमार रहने लगे। श्रीधर पंडित ने माता के दर्शनों की अभिलाषा में अन्न जल ग्रहण करना भी बंद कर दिया कि या तो तुम मुझे दर्शन दो या मृत्यु दो। श्रीधर पंडित के पास कोई संतान भी नहीं थी। वह दिन रात मंदिर में रहने लगा और माता से दर्शन देने की प्रार्थना करने लगा। एक रात माता वैष्णो देवी अष्ट रूप में श्रीधर पंडित के सामने प्रकट हुई और श्रीधर पंडित के सर पर हाथ फेर कर कहा, पुत्र तुम इतने परेशान क्यों हो, मैं तो यहीं त्रिकुट पर्वत पर रहती हूँ। माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को त्रिकुट पर्वत पर स्थित गुफा के बारे में बताते हुए कहा, मैं तीनों महादेवियों काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ हमेशा इस गुफा में वास करती हूँ। मैं वहाँ प्रत्यक्ष नहीं रहती, लेकिन मेरी और तीनों महादेवियों की सकारात्मक ऊर्जा वहाँ हमेशा विद्यमान रहती है। आज से तुम मेरे दर्शन वहीं पर करना और संसार के सभी प्राणियों को मेरे इस पवित्र स्थान के बारे में बताना, ताकि वो लोग भी आकर मेरे दर्शन कर सके और मैं हमेशा इस मंदिर में, इस गुफा में, इस पर्वत पर, इस बाण गंगा में, यहाँ की हर वस्तु में वास करती हूँ। और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम इस जन्म में 7 पुत्रों के पिता बनोगे और निरोग रहोगे। मैं यह भी वरदान देती हूँ कि कलयुग में तुम्हारे ही वंशज मेरी पवित्र गुफा के पुजारी बनकर मेरी सेवा करते रहेंगे। ये सब कहकर माता वैष्णो देवी अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन श्रीधर पंडित की सारी बीमारी खत्म हो गई और उसने सबको ये बात बताई और त्रिकुट पर्वत की यात्रा शुरू कर दी। और फिर सर्वप्रथम श्रीधर पंडित ने तीनों माताओं की पिंडियों के रूप के दर्शन किए और माता की पूजा पाठ आराधना करने लगे। आज यहाँ हर रोज लगभग 10,000 लोगों का आना जाना लगा रहता है, जो माता के दर्शन करने यहाँ आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार माता से फल पाते हैं। आप वैष्णो देवी कितनी बार गए हैं कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय माता दी।